दोस्तों स्वागत है आपका एपीएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो हम फिजिक्स की जो जनरल फिजिक्स की जो भी इम्पोर्टेंट सीरीज चला रहे हैं उसकी आज नेक्स्ट पार्ट हम लेकर आए हैं। तो ये है आपका चैप्टर उत्प्ला वक्ता, ठीक है, उत्प्ला वक्ता। और इसमें एक और चैप्टर को हम डील करेंगे जो कि आप आगे देख सकते हैं, सरल लोलक। अगर आपने इससे रिलेटेड जितने भी और सारे जितने भी वीडियो चैनल पे पड़े हुए हैं, अगर नहीं देखे हैं आपने पहले वाले वीडियोस, तो आप प्लेलिस्ट में सिंपली जाइए और सारे के सारे वीडियोज वहां पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये सारे वीडियोज काफी इंपोर्टेंट होते हैं, जितने भी एग्जाम आने वाले आपके एग्जाम्स हैं उस सारे के सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, आज के वन पे चलते हैं। ये कह रहा है कि तैरने का सिद्धांत किसने दिया, ठीक है। तो तैरने का सिद्धांत किसने दिया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तैरते समय कोई वस्तु अपने भार के बराबर द्रव हटाती है तो वह वस्तु क्या होता है। तो इसका दो की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर दो का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वो तैरती है। क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है कि सुई का पानी की सतह पर तैरने का क्या कारण होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पृष्ठीय तनाव। क्वेश्चन नंबर तीन हो गया। चलिए चार पे चलते हैं। ये कह रहा है आपसे कि जो बर्फ होता है, जो बर्फ पानी में तैरती है, क्योंकि बर्फ का घनत्व तो पानी की तुलना में क्या होता है, ठीक है। तो चार नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कम होता है, क्योंकि कम घनत्व तो होने के कारण वो क्या करता है, पानी के ऊपर तैरने लगता है बर्फ। उसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तैरते समय बर्फ का कितना भाग डूबा रहता है। तो पांच नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 90% लगभग भाग क्या होता है, डूबा रहता है उसका, बर्फ का। क्वेश्चन छह आपसे कह रहा है कि सबसे कम घनत्व वाला द्रव है, अब कौन सा ऐसा द्रव है जिसका घनत्व सबसे कम होता है। तो छह नंबर क्वेश्चन की अगर हम बातें कर ले तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, इसका वर्षा जल। क्वेश्चन सात आपसे कह रहा है कि जब कोई जहाज नदी से समुद्र में जाती है तो क्या होता है, ऊपर उठता है या नीचे हो जाता है या अपरिवर्तित रहता है या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सात नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऊपर उठता है। क्वेश्चन एट कह रहा है आपसे कि घनत्व तो मापने के काम आता है कौन सा यंत्र, तो हम आठ नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो इसका आंसर आपको हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। तो डी ऑप्शन डेंसिटी मीटर। उसके बाद कह रहा है कि अपेक्षित घनत्व तो मापने के काम आता है, तो ये अपेक्षित घनत्व तो मापने के काम कौन सा आता है, तो नौ नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर टेन आपसे कह रहा है कि वायुमंडलीय आर्द्रता मापने में काम आता है किस चीज का, दस नंबर क्वेश्चन की बातें करें तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, हाइग्रोमीटर का। 11 का दूध की शुद्धता मापने में कौन सा काम आता है, तो इसका क्या हो जाएगा, लैक्टोमीटर। 11 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है कि मनुष्य को किस जल में तैरना आसान रहेगा, तो समुद्र में तैरना आसान रहता है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 12 का, ठीक है सर। 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपसे कह रहा है कि आंधी के दिनों में मकान की छत का ओढ़ना कौन सी घटना है, तो 13 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बर्नौली प्रमेय के अनुसार ऐसा होता है। पारे में लोहे की गेंद डालने पर क्या होता है, अब पारे के अंदर जब लोहे की गेंद डालेंगे तो क्या होगा, वो तैरने लगेगा, ठीक है, तो ये तैरने लगेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 14 का। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि वायुयान को उड़ाने में सहायक है, तो वायुयान को उड़ाने में कौन सा सहायक होता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बर्नौली प्रमेय, ठीक है। क्वेश्चन 16 जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, किसी एकांक क्षेत्रफल पर कार्य बल को कहते हैं क्या, तो 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, दाब होता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पे चलता है सरल लोलक। अगर हम बात करें तो सरल लोलक में सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किसी पिंड की अपनी जो सभ्यवस्था के इर्द गिर्द गति को कहते हैं क्या हो जाता है इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अनावर्त। किसी पिंड का अपनी साम्यावस्था से अधिक विस्थापन को कहा जाता है, तो यह हो जाएगा आयाम इसका आंसर। क्वेश्चन तीन आपसे क्या कह रहा है कि एक सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या को कहते हैं, अब एक सेकंड में जो कंपन की संख्या होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो तीन नंबर क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, आवृत्ति कहते हैं। क्वेश्चन चार कह रहा है कि आवृत्ति का मात्रक कौन सा होता है, तो क्वेश्चन चार की अगर हम बात करें तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, हर्ट्ज होता है आवृत्ति का मात्रक। क्वेश्चन पांच आपसे कह रहा है कि किसी भी लोलक को साम्यावस्था की ओर लाने वाले बल हैं कौन से, तो पांच नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, प्रत्यानन बल, ठीक है। उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो होता है किसी लोलक की लंबाई बढ़ाने पर आवर्तकाल हो जाएगा कितना, तो जब लोलक की लंबाई हम बढ़ाएंगे तो इसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा, तो आवर्तकाल की अगर हम बात करें तो सिक्स नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अधिक यानी कि बढ़ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन सेवन आपसे कह रहा है कि किसी झूले की लंबाई बढ़ाने पर झूले की गति हो जाती है,
अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चंस की बात करें तो झूले की जब लंबाई हम बढ़ाएंगे तो उसकी जो जो गति होगी झूले की वो क्या हो जाएगी। तो 7 का आंसर की अगर हम बात करें तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा। जितनी लंबाई बढ़ाएंगे झूले की गति उतनी कम होगी। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहे हैं कि किसी लोलक की लंबाई घटाने पर आवर्तकाल हो जाएगा क्या, तो ये कम हो जाएगा। ठीक है, तो 8 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि यदि किसी झूले पर बैठा व्यक्ति खड़ा हो जाए तो झूले का आवर्तकाल हो जाएगा कितना। अब क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बातें कर ले तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा उसका आवर्तकाल। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी लोलक को ऊपर ले जाए तो उसका आवर्तकाल कितना होगा। ठीक है, आवर्तकाल क्या हो जाएगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बातें करें तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि यदि किसी लोलक को चंद्रमा पर ले जाए तो उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा। तो अगर हम किसी लोलक को चंद्रमा पर लेके जाते हैं तो उसके आवर्तकाल की अगर हम बातें करेंगे तो अधिक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि यदि किसी लोलक का अंतरिक्ष में ले जाए तो उसका आवर्तकाल हो जाएगा। अब अंतरिक्ष में लेके जा रहे हैं, पहले चंद्रमा पे लेके जा रहे थे, अब हम क्या करेंगे अंतरिक्ष में लेके जा रहे हैं। तो अंतरिक्ष में जब हम किसी लोलक को लेके जाएंगे तो उसका आवर्तकाल के ऊपर क्या होगा असर, तो वो अनंत हो जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो 12 का आंसर आपका डी करेक्ट हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन करें कि कौन से मौसम में पेंडुलम घड़ी लेट हो जाती है। कौन से मौसम में जो है पेंडुलम घड़ी जो होती है उसका जो टाइम होता है वो लेट हो जाता है। तो 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गर्मी में ऐसा होता है। 14 नंबर क्वेश्चन करें कि हाथ घड़ी के सेकेंड सुई का आवर्तकाल होता है। अब जो हैंड वॉच होता है जो हम हाथ में पहनते हैं घड़ी, उसका जो आवर्तकाल होता है वो कितना होता है सुई का, सेकेंड वाली सुई का आवर्तकाल। तो 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, इसका आंसर आप देखें डी आंसर हो जाएगा इसका, 1 मिनट होता है। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है कि सरल आवर्त गति कर रहे कण के लिए साम्यावस्था में किस राशि का मान शून्य नहीं होता है। ठीक है, तो सरल आवर्त गति कर रहे जो कण सरल आवर्त गति कर रहे हैं उसका लिए जो साम्यावस्था में किस राशि जो किस क्वांटिटी का मान जो है 0 नहीं होता है। तो 15 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बातें करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी करेक्ट हो जाएगा इसका, त्वरण हो जाएगा। 16 कह रहा है कि कड़क स्प्रिंग का आवर्तकाल मुलायम स्प्रिंग के आवर्तकाल की तुलना में होता है कितना। तो अगर हम 16 नंबर क्वेश्चन की बातें करें तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, अधिक हो जाता है। ठीक है, तो कड़क स्प्रिंग का आवर्तकाल होता है वो मुलायम स्प्रिंग के आवर्तकाल की तुलना में अधिक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अगर नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आने वाले समय में काफी सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज आते रहेंगे, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और बने रहें केस एजुकेशन यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।